हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समीक्षा एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। समीक्षा के पिता नहीं थे। समीक्षा अकेले अपनी और अपनी माँ वंदना की जिम्मेदारी उठा रही थी। समीक्षा एक ऑनलाइन बिजनेस करती थी जो बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन समीक्षा अपने काम के लिए बाजार की तरफ जाती है और एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान में जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया मुझे ये वाले डिजाइन के 7 जोड़ी सूट दे दो। 7 जोड़ी? मैडम की दुकान खोल रही हो क्या आप हमारी दुकान से सामान लेकर? इतने में उस दुकान का मालिक विजय आता है और उसे पहली ही नजर में समीक्षा पसंद आती है और वो बोलता है, जब ग्राहक खुद इतना सामान मांग रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम किसी ग्राहक से उसकी जानकारी क्यों ले रहे हो? सर मैं तो बस यही पूछ रहा था कि कोई दुकान खोली है या फिर ऐसे ही ले रही हो। अरे कोई बात नहीं, इतना क्या चिल्ला रहे हो उन पर? वो तो बस ऐसे ही मुझसे पूछ रहे थे। ठीक है मैडम, आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैडम आपको कुछ भी लेना हो या कितना भी लेना हो आप हमारे यहाँ आ जाना अगली बार से। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ के डेली की कस्टमर बन गई तो फिर तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा भर भर के। ये लीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप जब भी आओ तो मुझे एक बार कॉल कर देना। वैसे आपने ये 2 फोन क्यों ले रखे हैं? एक फोन से तो मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ और दूसरे फोन को मैं अपने पर्सनल यूजेस के लिए। इसी तरह दोनों बातें करने लगते हैं और मिलने लगते हैं। धीरे धीरे वो समीक्षा को पसंद करने लगता है और कुछ दिनों बाद विजय और समीक्षा एक पार्क में मिलते हैं और विजय समीक्षा को शादी के लिए प्रपोज करता है। समीक्षा भी विजय के प्यार की खातिर मान जाती है और उसके बाद विजय समीक्षा से कहता है, समीक्षा मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ पर मेरी माँ पुराने ख्यालात की हैं, उन्हें ये तुम्हारा काम करने वाली बहू बनना नहीं पसंद है तो तुम्हें अपने ये काम छोड़ना पड़ेगा। मेरे इसी काम की वजह से ही तो मेरी पहचान बनी है और काम की वजह से ही तो मैं अपना घर चला पाती हूँ। लेकिन माँ को नहीं पसंद आएगा कि तुम काम करो। मेरा काम कोई बाहर जाकर मजदूरी करने से तो होता नहीं है, मेरा सारा काम घर से ही हो जाता है तो दिक्कत ही क्या है काम करने में। तुम अपना ये काम करती रहो और वैसे भी तुम्हारी मुझसे ही शादी होगी तो तुम्हें सामान लेने बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम घर से ही करते रहना और माँ को पता मत चलने देना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों इस तरह अपने अपने घरों में शादी के लिए बात करते हैं और दोनों के घर वाले मान जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। समीक्षा शादी के बाद अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती है और कुछ समय बाद समीक्षा की सास चंदा कहती है, अरे बहू जरा यहाँ तो आ, बड़ा अजीब सा दिन हो रहा है, इतनी देर हो गई, समय ही नहीं कट रहा। हाँ इसीलिए तो, यही सही रहता कि बाहर जाकर काम ही कर लो, 2 पैसे भी आ जाएंगे और हाथ पैर भी चलते रहेंगे। आज तो बोल दिया तूने, लेकिन आगे से मत बोलियो, हमारे यहाँ बहू बेटियाँ जाकर काम नहीं करती बाहर। लेकिन काम करने में दिक्कत ही क्या है माँ जी, वैसे भी पूरा दिन घर में रहते हैं, ऐसे ही बोर होते हैं, काम कर लेंगे तो कुछ कमाई हो जाएगी और अपने पति का हाथ बटाने में क्या हर्ज है, या फिर मैं घर से भी तो काम शुरू कर सकती हूँ। क्यों री, तेरे पति ने तेरे लिए कोई कमी छोड़ी है क्या जो अब तुझे बाहर जाकर कमाना पड़े या घर पर काम खोलना पड़े? चल जाकर रसोई में काम कर। इतना बोलकर चंदा समीक्षा को रसोई में भेज देती है। विजय सही बोल रहे थे, माँ जी को ये बात कभी भी गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं काम करती हूँ। इतने में चंदा समीक्षा के फोन पर बातें करती हुई रसोई में आती है और कहती है, अरे बहू ये तेरे फोन पर किसी लड़के का फोन आया है, कोई ऑर्डर की बात कर रहा है, कौन है ये? कोई बात नहीं माँ जी, ये तो रॉन्ग नंबर है। अच्छा, अरे बहू दिखा तो अपना फोन, ये पहले तो ऐसा नहीं था, ये दूसरा फोन है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये तो मैंने फोन का कवर बदला है इसीलिए अलग लग रहा है। अभी तो बड़ा बोल रही थी कि पति का हाथ बटा देंगे, अब क्या हुआ पति के पैसों से फालतू खर्चा शुरू कर दिया। इतना बोलकर चंदा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह समीक्षा छुपते छुपाते अपना काम करती, बिजनेस फोन समीक्षा छुपा कर यूज करती। कुछ दिनों बाद चंदा और समीक्षा बाहर हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी समीक्षा के बिजनेस वाले फोन पर कॉल आता है और समीक्षा फोन पर बातें करने लगती है और ये भूल जाती है कि चंदा वहीं बैठी है। जैसे ही समीक्षा कॉल कट करती है तो चंदा उससे कहती है, ये किसके फोन पर तू ऐसे बात कर रही है, तेरा फोन तो यहाँ है ना? माँ जी वो माँ जी
लेकिन तभी विजय वहाँ आ जाता है और चंदा के हाथ में समीक्षा के दोनों फोन देखकर कहता है, अरे मेरा ये फोन यहीं रह गया था, मैं वहाँ परेशान हो रहा था। अच्छा समीक्षा, इसमें मेरे ग्राहक का फोन आया था, तुमने उसे संभाल लिया ना? तूने ये फोन कब लिया? और लिया है तो बहू से दूर ही रख, बहू को अपने काम में मत उलझा। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि बहू भी कोई काम कर रही है और इसलिए उसके पास फोन आया है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा ही फोन है, काम रहता है इसीलिए लिया था। इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन चंदा को समीक्षा पर शक हो जाता है और वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद चंदा की पड़ोसन मालती अपनी बहू प्रेमा के साथ आती है और चंदा से कहती है, अरे चंदा देख, मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, आज उसकी इतनी ज्यादा अच्छी नौकरी लगी है, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बहू के पैसों से खाएगी? आंटी जी एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना, अगर हम पढ़ रहे हैं जब तक उस पढ़ाई का हमारे जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? मुझे मत सिखा, मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं है कि बहू की कमाई खाऊं। अब जैसी तेरी मर्जी, अब कल को तेरी बहू भी कहीं काम करेगी तब तू क्या करेगी? तब तो उसका साथ देना ही पड़ेगा ना तुझे। वो ऐसा कुछ करेगी ही नहीं, और रही बात काम करने की, उसके लिए मेरा बेटा है अभी और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम लोगों की फालतू बातों में आकर मेरी बहू भी कुछ ऐसा वैसा करने की ना सोच ले। इतना बोल मालती और प्रेमा चली जाती है। कुछ दिनों बाद विजय का काम बहुत खराब चलने लगता है और उसका धीरे धीरे काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद विजय की नौबत अपना घर बेचने तक की आ जाती है और एक दिन वो चंदा से कहता है, माँ आज इतनी बुरी हालत हो गई, मुझे नहीं लग रहा कि ये घर बच पाएगा। नहीं बेटा, ये घर तेरे पापा की निशानी है, ये नहीं बेच सकते हम। दोनों की बातें सुनकर समीक्षा कमरे से आती है और कहती है, आप क्या मुझे भूल गए हो? आपको तो पता है मेरा भी ऑनलाइन बिजनेस चलता है और उससे बहुत अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, आप वो सब पैसे ले लो ना। क्या तू काम करती है? लेकिन तुझे काम करने का समय कब मिलता है? पूरे दिन तो घर में ही पड़ी रहती है। माँ जी मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मेरा काम घर से ही होता है, और अब आप ये सारे पैसे ले लो और अपना काम वापस से खड़ा करो। इतना बोलकर विजय पैसे ले लेता है और अपना काम फिर से शुरू करता है, और इस बार उसके काम में समीक्षा भी उसका हाथ बटाती है। थोड़े ही दिनों में विजय का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और फिर ये सब देखकर चंदा समीक्षा से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे काम करने से रोकती रही और आज तेरी ही वजह से वापस विजय का कारोबार खड़ा हो पाया है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप क्यों माफी मांगती हैं? आपका काम बस आशीर्वाद देना है और मेरा काम अपनों का साथ देना है। हाँ बिल्कुल, अब तो तेरी वजह से मैं भी कारोबार का गुणा भाग समझ गई हूँ, अब तू मुझे भी एक फोन दे दे, मैं भी संभालूंगी। चंदा को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद वो भी समीक्षा की तरह ही दो फोन लेती है और जैसे जैसे उसकी बहू समझाती है वैसे वैसे काम करती है, और उसके बाद वो भी दो फोन वाली सास बन जाती है। लवली हंसते हुए अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए सफाई कर रही होती है, तभी उसकी सास कलावती उसकी आवाज सुनकर कमरे में आकर कहती है, हंसले और जोर जोर से हंसले ताकि पड़ोसियों को भी पता चले कि कलावती की बहू कैसे राक्षसों की तरह हंसती है। माँ मैं बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर लवली कॉल कट करके सफाई करने लगती है और उसकी सास कलावती कहती है, अरे अरे बहू सफाई तो बाद में भी हो जाएगी, तू पहले जी भर कर अपनी माँ से बतिया ले, सफाई का क्या है, इंसान गंदगी में भी रह लेगा लेकिन बिना बात किए नहीं रह सकता। सासू माँ सफाई तो पहले ही कर ली मैंने, वो तो यहाँ थोड़ी धूल जमी थी, मैं उसे ही साफ कर रही थी बस। मेरी नलायक बहू अब अपनी लापरवाही छुपाने के लिए बहाने मत बना, अरे सफाई भी काम होता है और काम को जिम्मेदारी से किया जाता है, पहले काम कर ले फिर जी भर के अपने मायके वालों से बात कर लियो। जी मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर लवली अपना काम करने लगती है और कलावती चली जाती है। लवली अपना काम चाहे जितना भी अच्छा कर ले उसकी सास तब भी उसे लापरवाही समझा करती। एक दिन नाश्ते के समय कलावती उसके कमरे में गुस्से में आकर कहती है,
बहू तू कितनी लापरवाह है। कल शाम को ही मैंने तुझे कहा था कि मुझे सुबह 4 बजे उठा दियो ताकि मैं अपनी खाली पेट वाली दवाई खाकर मंदिर में शांति से पाठ कर सकूं। पर अभी 8 बज रहे हैं और मुझे खुद उठना पड़ रहा है। बताओ सासू माँ, मैंने तो आपको उठाने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाया था। आपके कानों में उसकी आवाज़ नहीं गई क्या? अलार्म लगाने की जगह तुम खुद माँ को जगा देती। माँ की सेहत का सवाल है, लापरवाही मत किया करो। अरे मैं अपने कामों में कभी लापरवाही नहीं करती। बहुत बढ़िया, लापरवाही खुद करो और फिर चिल्लाओ दूसरों पर, सही है? इतना कहकर कलावती मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसी शाम कलावती की पड़ोसन झुमकी घर आती है, तभी लवली उसके लिए नाश्ता लाकर उन्हें देती है और वहाँ से चली जाती है। कसम से कलावती, बहू के आने के बाद सुख ही सुख है। देख अभी तुझे बिना मांगे ही चाय मिल गई, और तो और खाना पीना घर का सारा काम समय पे हो जाता होगा और मैं अपने घर में अकेली ही खटती रहती हूँ। अरे काहे का सुख, वो तो तू आई है इसलिए महारानी चाय ले आई, वरना अब तक 4 बार इसके नाम का जाप ना कर लो ना तब तक तो इसके कान में जू क्या लीख भी नहीं रेंगती। ऊपर से ऐसी लापरवाही से काम करती है पूछो मत। आज सुबह ही इस बात पर मैं इसे समझा रही थी लेकिन उसमें भी ये मुझसे बहस करने लगी। हाय हाय कैसी बातें कर रही है, तेरी बहू शक्ल से तो ऐसी मालूम नहीं होती। शक्ल से तो तू भी पोपट मालूम पड़ती है, लेकिन है क्या नहीं ना। फिर अपनी सास की ये सारी बातें दूर खड़ी लवली सुन रही होती है, जो कहती है, हद हो गई। मतलब एक काम में मुझसे जरा से गलती क्या हो गई तो मेरी सास ने मुझे लापरवाह समझ लिया, और समझा तो समझा उसके बाद पड़ोसन के आगे मेरी चुगली भी की। सासू माँ सच में सठिया गई है, पर कोई बात नहीं, अब जब मुझ पर लापरवाही का ठप्पा लग ही गया है तो क्यों ना इनको लापरवाही के दर्शन करवा दूं। लवली जान गई थी कि उसकी सास अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। फिर क्या था, लवली ने भी सोच लिया कि जैसा सास उसे समझती है वो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। और एक दिन दोनों सास बहू मंडी में सब्जी लेने जाती है। लवली सारी सब्जी तुलवा कर सब्जी वाले को पैसे दे देती है और देखती है कि उसकी सास किसी और औरत से बातें करने में लगी है। तभी वो कहती है, अच्छा भैया 405 रुपए हुए ना, ठीक है ये लो। सासू माँ सब्जी उठा लेना, मैं खीरे ले लेती हूँ। अब अपनी गपशप में लगी कलावती कहाँ लवली की बात सुनती। थोड़ी देर बाद जब वो पलटकर देखती है तो लवली उसे खीरे की दुकान पर मिलती है। वो बिना सब्जी उठाए ही उसके पास चली जाती है और दोनों घर आते हैं तो लवली कहती है, लाइए सासू माँ सब्जी दीजिए, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। सब्जी कौन सी सब्जी? आलू, टमाटर, बैंगन, घिया और हाँ पुदीना भी, ये सारी सब्जी। मुझे क्या पता कहाँ है सब्जियाँ? कमाल करती हो सासू माँ, मैंने आपको सब्जियाँ उठाने के लिए कहा था, अब ये तो मत कहना कि आपने सुना नहीं, क्योंकि मैंने कहा था इसका मतलब सब्जियाँ वहीं रह गई। अरे क्या सुना नहीं बताओ, सब्जी तूने छाटी, तुलवाई तूने, पैसे तूने दिए तो सब्जियाँ उठाने में तुझे मौत आ रही थी, मतलब पैसे देकर सब्जियाँ वहीं छोड़ाई, इतनी लापरवाह हो गई है तू। सासू माँ मैं लापरवाह हूँ तो क्या हुआ, कम से कम आपको तो ध्यान रखना चाहिए ना। चलिए अब दोबारा मंडी चलते हैं। अरे ओ दोबारा मंडी चलते हैं, दिमाग का इलाज करा जाके, पैसे तेरे पापा जी नहीं भेज रहे जो फूक कर आ जाओ दोबारा से। तू रहने दे, मैं खुद ही जाकर लेकर आती हूँ सब्जी। इतना कहकर कलावती दोबारा मंडी के लिए निकल जाती है और लवली मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह लवली कान में एयरफोन लगाए बिना फैन ऑफ किए ही झाड़ू लगा रही होती है, तभी सारी धूल उड़कर सामने से आ रही कलावती के मुंह पर जाती है और वो खांसते हुए कहती है, अरे ओ नासपिटी ये क्या कर रही है? है? क्या सासू माँ क्या बड़बड़ा रही हो, थोड़ा ऊंचा बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। अरे तभी वो जाकर फैन ऑफ करती है और उसके कान से एयरफोन निकाल कर सोफे पर पटकते हुए कहती है, ये पंखा चलाकर कौन झाड़ू लगा रहा है? ये तो फूल झाड़ू लग रही है। ओहो पंखा चल रहा था क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला सासू माँ। मतलब बहू तू दिन पर दिन इतनी लापरवाह कैसे होती जा रही है, बताओ सारी धूल मुझ पर उड़ेल दी। सासू माँ मुझे याद ही नहीं आया कि झाड़ू लगाने से पहले पंखा भी बंद करना पड़ता है, आप सही कहती हो,
कि एक साथ दो काम करना लापरवाही ही होती है। मैं एक काम करती हूँ, झाड़ू कटका छोड़कर पहले आराम से गाने सुन लेती हूँ। वैसे भी झाड़ू पोछा तो मैं रोज ही करती हूँ, गाने तो मैं कभी कभी सुनती हूँ। इतना कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर कलावती हैरान होकर बोलती है, ये बहू को आखिर हो क्या गया है? मैं जितनी बार इसे लापरवाह कहती हूँ, ये अगली बार उससे बड़ी लापरवाही करती है। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? लवली के अब ज्यादा लापरवाह बनने से कलावती हैरान होने लगती है। समय बीतता है और अब लवली हर छोटे छोटे काम में लापरवाही करने लगती है। एक दिन हॉल में पोछा लगाते वक्त वो जानबूझकर पंखा नहीं चलाती। तभी फोन पर बात करते हुए साहिल वहाँ आता है और गीले फर्श पर फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ता है। आए आए, मेरी कमर। हाय हाय, कैसे गिर गया तू? ला मुझे अपना हाथ दे। कलावती साहिल को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसे उठाते उठाते वो खुद भी फर्श पर गिर जाती है और कहती है, हाय दैया मार डाला रे। अरे नासपीटी पोछा लगा रही है या फर्श धो रही है? इतना गीला कर रखा है फर्श। अरे अकल क्या घास चरने गई है तेरी? अरे लवली, जब इतना गीला पोछा लगा रही थी तो पंखा भी चालू कर लेती ताकि फर्श सूख सके। ओहो, मैं कितनी लापरवाह हो गई हूँ, पंखा चालू करना भूल गई। बस कर, तेरी लापरवाही की तो हद हो गई। उस दिन पंखा बंद करना भूल गई और आज चलाना भूल गई। इतनी लापरवाह तो तू नहीं थी। आए मेरी कमर। हाँ सासू माँ, वही तो, मुझे तो लापरवाह बनने पर आपने ही मजबूर किया है। अभी देखो ना, जब मैं सारे काम सही करती थी तब भी आपको उसमें मेरी लापरवाही नजर आती थी। फिर मैंने सोचा कि जब मुझ पर लापरवाही का टैग लग ही गया है तो क्यों ना खुल के लापरवाही कर ली जाए। मतलब ये सब तुमने जानबूझकर किया? अभी ये लापरवाही का नगाड़ा बंद करो और हमें संभालो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर वो दोनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और दोनों उसे भी अपने साथ जमीन पर पटक देते हैं। और लवली दर्द भरी आवाज में कहती है, आए हाय, मिल गई आपको शांति अपने साथ साथ मेरी भी कमर में लचक लाकर। हाँ तो और बनने लापरवाह बहू। इसी बात पर सास बहू और बेटा जमीन पर पड़े पड़े हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।